महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के लिए आज नवनीत राणा अपना नामांकन दाखिल करेंगी। नवनीत राणा ने 28 मार्च 2024 को बीजेपी में शामिल हुई थी। बीजेपी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की सातवीं सूची में आरक्षित अमरावती लोकसभा सीट के लिए उनकी उम्मीदवारी की घोषणा की। वह अमरावती लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगी। इस बीच उनका एक बड़ा बयान सामने आया। अमरावती से बीजेपी की उम्मीदवार नवनीत राणा ने कहा, मेरे लिए आज बड़ा दिन है। यह पहली बार है जब अमरावती के लोगों को मौका है देश हित में वोट करें। हनुमान जी का आशीर्वाद हमेशा रहता है, मेरी आवाज में कभी बदलाव नहीं होगा। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के लिए आज नवनीत राणा अपना नामांकन दाखिल करेंगी। नवनीत राणा ने 28 मार्च 2024 को बीजेपी में शामिल हुई थी। बीजेपी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की सातवीं सूची में आरक्षित अमरावती लोकसभा सीट के लिए उनकी उम्मीदवारी की घोषणा की। वह अमरावती लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगी। इस बीच उनका एक बड़ा बयान सामने आया। अमरावती से बीजेपी की उम्मीदवार नवनीत राणा ने कहा, मेरे लिए आज बड़ा दिन है। यह पहली बार है जब अमरावती के लोगों को मौका है देश हित में वोट करें। हनुमान जी का आशीर्वाद हमेशा रहता है, मेरी आवाज में कभी बदलाव नहीं होगा।